बुधवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वागत किया है और राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के पहले उन्होंने अपने निवास पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन कराया, जहां खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरे विधि विधान के साथ हनुमान चालीसा पाठ के कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनके साथ पूर्व मंत्री एवं विधायक सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद गोयल, कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक नरेंद्र सलूजा सहित कई कांग्रेस के नेता हनुमान चालीसा पाठ के कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, मुहूर्त में मैं नहीं जाना चाहता, मैंने तो आज अपना कार्यक्रम किया है। मध्य प्रदेश की आम जनता की खुशहाली, मध्य प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए ये कार्यक्रम किया है। मुहूर्त सही हो गलत हो, मैंने कोई मुहूर्त देख के ये नहीं चुना। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम के अलावा कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया। इसीलिए आज भारत की पहचान पूरे विश्व में है, इतनी भाषाओं, लोगों को ताज्जुब होता है। विश्व से जो लोग आते हैं भारत में, उनको ताज्जुब होता है कि इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतनी धर्म, इतने रिवाज, ये केवल भारत में ही है। और ये भारत में है क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, समाज को जोड़ के रखते हैं, ये हमारी भावना है। इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने करी थी 85 में, और 89 में उन्होंने कहा था शिलान्यास होना। उन्होंने अपने पहले भाषण में 89 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। तो आज हम राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं, राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ताले खोले थे। वहीं से शुरू हुई थी ये राम मंदिर की कथा कि ये मंदिर बनेगा। ये राजीव गांधी जी की सोच थी, वो उनकी मन मंशा थी। और अगर आज राजीव जी हमारे बीच में होते, सबसे खुश राजीव गांधी जी होते। भोपाल से EMS TV के लिए राम पवार की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।